आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अविनाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अविनाश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। अविनाश जी बताते हैं कि जहां तक मुझे याद है, बात आज से तकरीबन 25-30 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 15 या 16 साल की रही होगी। उन दिनों हमारे गांव में इक्का दुक्का घरों में ही एलपीजी सिलेंडर हुआ करता था, जिस वजह से गांव के अधिकांश लोग चूल्हे का ही इस्तेमाल किया करते थे। अब चाहे आप मुझे डरपोक कहें, पर इस हादसे को याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। हुआ कुछ यूं कि शाम का वक्त था, यही कोई 7:30 बज रहे थे। हम 4-5 दोस्त मिलकर इधर उधर की बातें करते हुए मस्ती मजाक कर रहे थे। अभी मैं अपने दोस्तों से इधर उधर की बातें कर ही रहा था कि तभी मेरी माँ ने मुझे कुछ रुपए थमाते हुए कहा, ये ले और बगल के गांव वाली दादी से उपले खरीद के ले आ। उपले यानी गोईठे। हालांकि मुझे बगल के गांव वाली धक्के दादी का घर पता था, लिहाजन मैं तुरंत अपने दो दोस्तों को लेकर बगल के गांव के लिए रवाना हुआ। हम इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ जा रहे थे। उपले वाली दादी के घर के पास पहुंचते ही मैंने नोटिस किया कि घर की हालत काफ़ी ख़राब है और पूरे घर पर काले धब्बे पड़ गए थे, जैसे कि कभी घर पर आग लगी हो। खैर, मैंने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, अम्मा जी, मैं अविनाश, बगल के गांव से माँ ने भेजे हैं उपले लेने के लिए। 2-4 बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही हम लोग घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले हमारी नज़र घर की चीज़ों पर गई जो कि जले हुए थे। अभी हम लोग घर में थोड़े अंदर गए ही थे कि तभी हमारे नाक में एक तेज बदबू आई। बदबू इतनी तेज थी कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। दोबारा मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा, अम्मा जी, मैं अविनाश बगल के गांव से आया हूँ। मैंने अभी आवाज़ लगाया ही था कि तभी सामने से मुझे वो दादी आती दिखी। उन दादी जी ने इशारा करते हुए कहा, उपले यहीं पर ले लो। यह बोलकर अम्मा जी दूसरे कमरे में चली गई और हम लोग उपले अपने झोले में भरने लगे। उपले भरकर वहां से निकलने से पहले मैंने अम्मा जी को आवाज़ लगाते हुए कहा, हाँ जी, रख दो पैसे यहीं पर। अभी मैंने यह बोला ही था कि तभी दूसरे कमरे से मुझे एक लंबा हाथ मेरी तरफ आता दिखा। वो हाथ इतना लंबा था कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक आ रहा था, और तो और वो हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। यह सब देखकर मैं बेहद डर गया था। मैं वहां से भागना चाह रहा था, पर ना जाने क्यों मेरे पैर वहां जम से गए थे। फिर जब मैंने भागना चाहा तो उस जले हुए हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गया। पर मेरे दोस्तों ने हिम्मत दिखाकर मुझे घर से बाहर निकाल लिया। वहां से किसी तरह से जान बचाकर हम लोग घर पहुंचे। अगले दिन सुबह हमें पता चला कि उस घर में आग लग जाने की वजह से वो बूढ़ी अम्मा उसी घर में जलकर मर गई थी। तब से उनकी आत्मा उसी घर के आसपास भटकती है। तो दोस्तों, ये थी अविनाश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई किस्से कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, और देखते रहें डार्क फाइल्स।